हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्राजेनेका फार्मा स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी पिक बनाई, यानी कि बायर हावी हुए लेकिन सेलर खींच करके नीचे ले आए, ठीक है। हम सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और वहीं पे स्टॉक क्लोज हुआ है अपने रेजिस्टेंस पर ही। 3954 पर रेजिस्टेंस है और स्टॉक 3958 पर क्लोज हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें स्टॉक में, स्टॉक को ऊपर आने दें। यहां से जैसे स्टॉक ऊपर आएगा, यहां पे क्लोजिंग दे दे एक बार, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट भी काफी समय बाद होगा। आप देख पा रहे हैं कितने दिनों से स्टॉक यहाँ पे घूम रहा है, ये टाइम है मार्च फरवरी 21 से, इसी रेंज में घूम रहा है और इसको हम बोलते हैं कप पैटर्न। आप देख पा रहे हैं कप पैटर्न बनाया स्टॉक ने। ब्रेकआउट जैसे होगा आपको बड़े टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो स्टॉक पर नजर भी बना करके रखें। और आगे रेजिस्टेंस के लिए टारगेट अगर मैं बात करूं तो 4590 रुपए का टारगेट आपके लिए पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है आपके लिए लगभग 4965, यानी कि 4965 रुपए का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक पर नजर बना करके रखें और वीडियो लाइक और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।